नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में बिन्यानी गार्डन में 11 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्याम सुंदर पराशर ने श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्रीकृष्ण रुक्मणी का वेश धारण किए कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। परिवार प्रसंग में पराशर जी ने कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्रीकृष्ण के रूप में सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उसने मन ही मन श्रीकृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मणी श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश राजा दमोघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संवेदक संदेशवाहक द्वारा श्रीकृष्ण के पास अपना प्रणय संदेश भिजवाया। तब श्रीकृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडनीपुर पहुंचे और वहां बारात लेकर आए। शिशुपाल वर्ष के मित्र राजाओं शालवजरासन दंतवक्त्र विदुरथ और पौंडरक को युद्ध विरासत करके रुक्मणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारकापुरी आ रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तभी युद्ध में श्री कृष्ण व बलराम ने रुक्मी को पराजित करके दंडित किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मणी से विवाह किया। भागवत आरती में गोपाल दास अटमेश चंद खेमराज राज सांगमत कुमारी तेज चंदन मनीष सुदर्शन चंद्रकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।